सबसे पहले अफसोसनाक खबर यह है कि मौसीकार ताफू खान इंतकाल कर चुके हैं। ताफू खान एक अरसे से बीमार थे। ताफू खान ने मुतअद्दिद फिल्मों की मौसीकी भी तरतीब दी। तो ताफू खान एक अरसे से बीमार थे और आज वो इंतकाल कर चुके हैं। जैन मदनी हुसैनी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जी जैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, लॉलीवुड इंडस्ट्री के नामवर मौसीकार उस्ताद ताफू खान जो है, हर साल जो है वो उनकी उम्र थी और वो गुज़िश्ता कई माह से अलील थे। उनको गुर्दों का मर्ज लाहिक था और उनका इलाज जो है वो निजी अस्पताल में जारी था, लेकिन वहाँ पे आज वो अपने जो है खालिक हकीकी से जो है वो जा मिले हैं। उनके इंतकाल की तस्दीक जो है वो उनके अहले खाना ने कर दी है, जबकि उनकी तस्कीन के हवाले से अभी तक कोई ऐलान जो है वो नहीं किया गया। इस हवाले से मैं बताता चलूँ कि उस्ताद ताफू खान तबला पर जो है वो उनकी बहुत महारत थी और 1946 में मौसीकारों के घराने में वो पैदा हुए। उस्ताद ताफू खान का असल नाम उस्ताद अल्ताफ हुसैन था और ताफू खान के नाम से ही उन्होंने शोहरत हासिल की और छोटी उम्र में ही तबले से जो है वो मुतारिफ हुए। उन्होंने गुलकार मेहदी हसन, नूर जहाँ, गुलाम अली, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान, नसीबो लाल समेत, शाजिया मंजूर, अजरा जहाँ, शाजिया जहाँ समेत बहुत से सिंगर्स के साथ जो है वो बतौर मौसीकार जो है वो काम किया। मुतअद्दिद फिल्मों में बतौर म्यूजिशियन भी हिस्सा लिया और उनका एक गाना सुनवे बलोरी अखवालिया वो आज भी जो है वो जुबा जदे आम है। और उनके जो नमाज जनाजा का ऐलान है वो उनके फैमिली के हवाले से अभी तक जो है वो नहीं किया गया। इकबाल टाउन में उनकी रिहाइश है, जबकि अंदरून शहर मौसीकार घराना की एक कॉलोनी है जहाँ पे उन्होंने आँख खोली और वो गुलाम अली और गुलकार साहिर अली बग्गा के जो है वो करीबी रिश्तेदार भी हैं और मरूफ गुलकार तारिक ताफू के जो है वो वालिद ग्रामी भी हैं। जी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जैन मदनी हुसैनी थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे।